हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मसाला किचन मैजिक विद शशि में। आज हम मूंग और चने का दाल बनाने जा रहे हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साबुत चना और साबुत मूंग को 4-5 घंटे भिगो लेंगे। उसके बाद ये इस तरीके का हो जाएगा, तो हम इसे छान लेंगे। अब हम कुकर में इसे रख देंगे और पानी डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 नमक स्वाद अनुसार, हमने यहाँ 1 चम्मच नमक लिया है, तो अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके इसे पकने के लिए रख देंगे। हमें इसे 3 से 4 सीटी तक पकाना है। तो देखिए, दाल एकदम बढ़िया तरीके से पक चुकी है। तो चलिए अब हम इसे तड़का लगाते हैं। सबसे पहले हमने ली है कटे हुए प्याज, कटे हुए लहसुन, कटे हुए मिर्च और कटे हुए टमाटर, तेज पत्ता, हल्दी पाउडर और गरम मसाला का पेस्ट। तो चलिए अब हम कढ़ाही को ले लेते हैं। हमने कढ़ाही में डाला है 4 चम्मच देसी घी, उसमें हम डालेंगे 4 चम्मच सरसों का तेल। अब हम इसे गरम होने देंगे। ये गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जीरा, कटे हुए लहसुन, कटी हुई मिर्च, तेज पत्ता, कटे हुए प्याज और इन सबको अच्छी तरीके से भुनेंगे। देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो अब हम इसमें गरम मसाला और हल्दी पाउडर का पेस्ट डालेंगे और इन सब चीज़ों को हम भुनेंगे। इसी तरीके से हमें इसे मीडियम फ्लेम पे भुनना है। ये भुन चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर से इसका स्वाद दुगना हो जाता है दोस्तों। तो देखिए, ये सारी चीज़ें भुन चुकी हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे दाल। अब हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए, ये लगभग पकी चुकी है, लेकिन अभी अच्छी तरीके से नहीं पकी, थोड़ा सा और पकाना है। अब ये दाल एकदम परफेक्ट पक चुकी है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से दानेदार दाल बनी है। तो आइए आप सब भी खा लीजिए, कमेंट करके बताइए। आप लोग भी ऐसी दाल बना के खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे कमेंट करके बताइए कैसी बनी।